अब गेय क्या है जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं? हर चीज जो ज्ञान का गेय बन रही है वो गेय है, ज्ञान का विषय बन रही है वो गेय है। ज्ञान का विषय जो बन रहा है उसको जान कौन रहा है? ज्ञान जो जान रहा है वो ही ज्ञान है भाई, ज्ञान ज्ञान वो ही। और ज्ञान का जो ओनर है, मालिक, वो ज्ञायक है। ये भी बहुत सिंपल सी बात हो गई। नहीं, अब आप समझो ज्ञायक हो गया यहाँ पे काइंड ऑफ मिरर, एंड गे क्या हो गया? इमेज, राइट? तो जो मिरर है वो ही इमेज है, और जो इमेज है वो ही मिरर है कि नहीं? ऐसा नहीं है। लेकिन संकर का मीन्स होता है मिक्सअप करना, वेरी सिंपल, हाँ, मिक्स होना, शंकर, ठीक है। तो हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं? दोष है ये, ठीक है, दिस इज नॉट अ क्वालिटी, ये हमारा दोष है, ये फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है? कि गेय को और ज्ञायक को, यानी ज्ञान जिसको जानता है वो है गेय, यानी मिरर में जब इमेज आ जाती है तो वो इमेज को ही मिरर समझ लेता है और मिरर को ही इमेज समझ लेता है, गेय को ही ज्ञायक समझ लेता है, ज्ञायक को ही गेय समझ लेता है। तो जो स्व है वो है मिरर, यहां पर ये है मिरर ज्ञायक, और जो पर है वो है गेय इमेज। नहीं, तो ये मिरर और इमेज को, स्व और पर को संकर यानी कि मिक्सअप करके जानता है, ये इसके ज्ञान का दोष है। सो नाउ दोष यहाँ पे जो हम बता रहे हैं वो अज्ञान को बता रहे हैं कि अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होता है और ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता है। तो आपको पता है अज्ञान का मतलब क्या है? अज्ञान का मतलब है स्व और पर को मिक्सअप करना, यही अज्ञान है। स्व पर का मिक्सअप अज्ञान है, और स्व पर का भेद विज्ञान ये ज्ञान है।